जो भी देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ शिखा मेरोत्रा स्वागत है आपका हमारी इस प्राइम चर्चा में जब भी हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो फिल्म की कहानी कलाकारों का काम डायरेक्शन और प्रोडक्शन में काफी कमियां निकालते हैं पर आपको पता है कि एक फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं होता इसे बनाने के लिए एक टीम चाहिए होती है बहुत सारा हार्ड फिर खूब सारी एडिटिंग तब जाके तैयार होती है एक फिल्म लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिल्म तैयार होने के बाद की जाती हैं जैसे प्रमोशन करना मूवी की जानकारी लोगों तक पहुंचाना लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है फिल्म की कहानी जी हाँ अगर स्टोरी ही अच्छी नहीं है तो ऑडियंस किसी भी फिल्म को देखना पसंद नहीं करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फिल्म का स्टोरी तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले की फिल्म और अब की फिल्म में क्या अंतर है पहले की फिल्म बनाने के लिए सालों लगते थे एक सीन को फिल्माने के लिए जैसे मौसम की जैसे समय की जरूरत होती थी उसका इंतजार करना पड़ता था यहाँ तक कि एक पक्षी की आवाज तक को रिकॉर्ड करने के लिए उसके बोलने का इंतजार करना पड़ता था आज तकनीक इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम धरती पर बैठे बैठे चांद सितारों की सैर कर लेते हैं काल्पनिक दृश्य भी दिखा देते हैं फिल्मों के माध्यम से हम वो सब चीजें देख सकते हैं जो हमारी कल्पना मात्र होती है फिल्म जगत में समय के साथ काफी बदलाव आया है और तकनीक की मदद से जो सिनेमा जगत अपडेट हो पाया है उस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान आनंद ओझा के साथ जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है और फिल्मों की बारीकी अच्छे से जानते हैं आपको बता दें कि आनंद ओझा जी एक फिल्म लेकर आ रहे हैं द जंगल ट्रिप इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फिल्म में क्या कुछ नया है कौन कौन कलाकार है तो इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान डायरेक्टर आनंद ओझा जी जुड़ चुके हैं आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी फिल्म का इंट्रोडक्शन दीजिए एक्चुअल मेरी फिल्म एक नए जोनर की फिल्म है जी अभी तक इंडिया में कॉस्मेटिक डिजाइनिंग के ऊपर वर्क नहीं हुआ है और पहली फिल्म लेके आ रहा ले जिसमें कॉस्मेटिक डिजाइनिंग के ऊपर बहुत वर्क है इसमें हम सिलिकॉन से बॉडी पार्ट्स और वेदर मतलब बहुत सारी चीजें हम नया क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि बॉलीवुड में पॉसिबल नहीं था ये हॉलीवुड के लोग करते थे फर्स्ट टाइम मैं इंडिया में लेके आया आप इसको थोड़ा विस्तार से बताइए आखिर ये होती क्या है एक्चुअल ये बॉडी पार्ट्स बनाया जाता है सिलिकॉन से सिलिकॉन एक प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक की तरह होता है उससे हम नेचुरल सेम बॉडी के जैसे बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं तो पैरों का कटना हाथ का कटना ये सारी चीज़ें जो घाव वगैरह लगता है चोट वगैरह लगता है देखिए अमूमन फिल्मों में होता है कि ऊपर से ब्लड डाल करके इस तरह के सीन क्रिएट कर देते हैं बट हमारी फिल्म में अगर चोट लगेगी तो चोट महसूस होगी वो उसकी डिज़ाइनिंग बहुत बेहतरीन तरीके की है और इसके साथ में मेरे साथ बहुत सारे हॉलीवुड से लोग हैं जो मुझे कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग के लिए ट्रेनिंग दिए हैं और उन लोगों के साथ मिलकर के मैं एक नए तरीके की चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके बारे में फिल्म देखने के बाद यह हॉरर तो 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 नहीं, नहीं है थ्रिलर फिल्म है, जी। थ्रिलर फिल्म है और ये ऐसी कहानी है कि जंगल में कुछ लोग जाते हैं और वो वहां गायब हो जाते हैं उनके साथ में हादसे होते हैं और उन हादसों से परेशान है जी। और उसी के दरमियान में बहुत थ्रिल है फिल्म में फिल्म में में देखने के बाद में लोगों को इसका सही अंदाजा लगेगा जी आनंद जी हम ये भी जानना चाहेंगे की इस फिल्म में कलाकार कौन कौन सा मुख्य अभिनय करने वाले देखिए ऐसा है कि लोग नए कलाकारों को मौका नहीं देते जी मैं नए कलाकारों को मौका दे रहा हूँ मेरे पास मेरी फिल्म में कोई स्थापित कलाकार नहीं है सारे कलाकार मैंने नए लिए हैं जिनके अंदर अपनी प्रतिभा है जो अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को हमने मौका दिया है जी मैम फिल्म के प्रोड्यूसर एक्चुअल मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सोनदीप इंटरटेनमेंट के हमारे मित्र हैं महावीर प्रसाद जी, जी और अमन शर्मा जी जो बदायूं के रहने वाले हैं ये आदिशक्ति फिल्म स्टूडियो इनका है जी। तो इन दोनों के साथ में मिलकर के मैं फिल्म कर रहा हूँ जी तो क्या आदिशक्ति फिल्म स्टूडियो में ही इस फिल्म की शूटिंग हुई है नहीं नहीं एक्चुअल इसकी शूटिंग हम कर रहे हैं झारखंड में जी। जंगल का टोटल सीन है तो जंगल में जाके मुझे शूट करना था झारखंड की पहाड़ियां और झारखंड के जंगल मेरे लिए एक अच्छा लोकेशन थे और मैं वहीं अपनी फिल्म कर रहा हूं जी आनंद जी जिस तरह से सिनेमा में नई तकनीक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं तो क्या लगता है पहले किस तरह से फिल्में बनाई जाती थी और अब कितना बदलाव आ गया है मैम देखिए बदलाव तो बहुत आ चुका है लोग नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं नई चीजें लेकर के आ रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं बॉलीवुड धीरे धीरे चेंजिंग की ओर जा रहा है जी। पहले साउथ में चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता था साउथ की फिल्मों में बट अब धीरे धीरे हमारी हिंदी इंडस्ट्री में भी वो सारी चीजें आ रही हैं तो तकनीक का विस्तार का मतलब यह है कि सिनेमा धीरे धीरे कॉमर्शियल फिल्मों की तरफ रुक कर रहा है आर्ट फिल्में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। नहीं आर्ट फिल्म में देखिए आर्ट फिल्मों का अपना दौर होता है एक नए डायरेक्टर को पहले कमर्शियल फिल्म देनी जरूरी होती है जी। जब हमारी चीजों को लोग समझने लगेंगे तो फिर आर्ट फिल्म करना आसान होता है एक डायरेक्टर के लिए लेकिन स्टार्ट में आकर के आर्ट फिल्मों से क्या है आर्ट फिल्म में कमाई का जरिया नहीं होती है सामाजिक सरोकार की चीजें होती उसमें और नए डायरेक्टर नए प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट ज्यादा मस्ट होता है प्रॉफिट तो मस्त होता ही है लेकिन क्या ये भी सच है कि आज फिल्मी दुनिया कई धड़ों में बच चुकी है या yeah, डेफिनेट फिल्मी दुनिया कई धड़ों में बढ़ चुकी है जी. लोग अपने अपने तरीके की लॉबी बना करके काम कर रहे हैं जी. और मैं तो बहुत खुश हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नया जरिया दिया है नई जगह दी है जहां पे हम अपनी सोच को अपनी कला को हम स्थापित कर सकते हैं और यहां से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं जी फिल्म में रोजगार का क्या रोल है जिस तरह से आप लोग कहीं भी शूटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार मिल पाता है डेफिनेट डेफिनेट मैम ऐसा है कि इस फिल्म में हमने तकरीबन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मौका दिया है हम तो 70 से 80 परसेंट स्थानीय लोगों को मौका दे रहे हैं जी. वो चाहे फिल्म के क्राउड का पार्ट हो या टेक्निकल पार्ट हो तो हम स्थानीय लोगों को ज्यादा महत्व तो दे रहे हैं जी तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी फिल्म इंडस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है कितना बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो यहां पे भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं क्या कहेंगे हाँ, डेफिनेट ऐसा मैम देखिए अगर एक फिल्म बनती है तो उसके पीछे एक अच्छा खासा क्रू होता है बहुत सारे लोग होते हैं एक बड़ी टीम होती है और अगर बड़ी टीम आ, को काम करना है तो वो बाहर से कलाकार लेकर के आएंगे या बाहर से लोगों को टीम लेकर के आएंगे तो उन्हें महंगा पड़ता है स्थानीय लोगों को इससे बहुत फायदा मिलता है हाँ अभी एक दिक्कत है स्थानीय लोगों में अभी टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये लोगों में आम सीखते जाएंगे लोग और डेफिनेट इससे स्थानीय लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा

वो इंडिया में उतना अभी डेवलप नहीं हो पाया है डेवलप हो रहा है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस पे हो रहा है तो जैसे जैसे लोगों में जागरूकता है कि लोग संस्थानों की ओर जाएंगे तो डेफिनेट है कि ये चीज़ें हमारे आ, मतलब नेचुरल शूट्स में और बाकी सारी चीज़ों में देखने को मिलेगी जी जी आनंद जैसा कि आपने कहा कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा रहा है है सिखाया लेकिन जब लोग सीख लेते हैं, तो वो हब की तरफ भागने कोशिश करते हैं जैसे कि मुंबई भाग रहे हैं या फिर दिल्ली में जहां पे ज्यादा शूटिंग होती है तो स्थानीय जगह पे कमी है तो क्या ऐसा करना चाहिए कि वहां पे भी लोग रोजगार पा सके और अलग अलग जगह पे जाना ना पड़े मैम देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि स्थानीय क्षेत्र में इन चीजों की जो पढ़ाई है उसके बारे में लोग जागरूक हों टेक्निकल चीजों के बारे में समझने की कोशिश करें समझें और इसके जितने ज्यादा संस्थान अगर आ, मतलब राज्य स्तर पे अगर खुल सके जैसे अलग अलग जगह पे उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में तो अभी काफी कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है जी. तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही लोग हब की तरफ ना जाकर के अपने स्थानीय क्योंकि कोई भी अपने जगह को छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन अब उसको सीखने की ललक समझने की चाहत इन सब चक्करों में वो हब की तरफ भागता है अन्यथा अगर उसको वो सारी चीजें अपने जगह पे अवेलेबल होंगी तो कहीं नहीं जाएगा जी तो अब हम फिर से लौटते तकनीक की तरफ तो ये दौर शायद 2012 से शुरू हुआ है जब बॉलीवुड में साउथ फिल्मों का रीमेक बनना शुरू हुआ और कई सारी फिल्में सुपर हिट गई तो क्या लगता है कि दर्शकों की पसंद बदल रही है अब दौर आ गया है जहाँ असली की जगह हटकर तकनीक ज़्यादा जो है तकनीक की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और तकनीक की आवश्यकता भी पड़ रही है मैम देखिए क्या होता है तकनीक अगर इस्तेमाल करता है व्यक्ति या डायरेक्टर अगर तकनीक इस्तेमाल करता है तो जो चीजें होती है जो फ्रेम्स होते हैं उसमें रियलिटी डेवलपमेंट होती है और रियलिटी लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं और किसी भी चीज को अगर हम बेहतर तरीके से बेहतर मतलब बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो उसमें डेफिनेट है कि लोगों को ज्यादा पसंद आएगी वो चीज़ जी तो लोगों को एक्शन ज्यादा पसंद आता है जैसे तकनीक की मदद मतलब से हम बहुत ज्यादा सुपर एक्शन दिखा देते हैं तो क्या लोगों का रुझान ज्यादा है एक्चुअल लोग लोग हम ये नहीं कहेंगे कि लोग खाली एक्शन या किसी भी क्षेत्र में अगर आप क्रिएशन करते हैं उसमें वेरिएशन लाते हैं नई चीजें दिखाते हैं तो लोग डेफिनेट नई चीजों के प्रति उनकी दीवानगी होती है और उसके पीछे लोग दौड़ते हैं और डेफिनेट देखने की कोशिश करते हैं उसको उसको ज्यादा दर्शक मिलते हैं तो हम ये मानकर चले कि अगर तकनीकी का विस्तार हो गया तो बॉलीवुड के पास भी अपना आयरन मैन, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका होगा। डेफिनेट मैम आने वाला समय हॉलीवुड को छोड़ करके बॉलीवुड में इन सब चीजों का डेवलपमेंट क्रिश हुआ है और कई चीजें हैं लेकिन चूंकि अभी उस तरीके से हमारे पास में टेक्नोलॉजीज नहीं है हम अभी डिपेंड रहते हैं हॉलीवुड के ओर तो हॉलीवुड से टेक्नीशियंस ला करके यहां काम करते हैं लेकिन जिस दिन हमारे पास में अपने टेक्नीशियंस हो जाएंगे तो हमें ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी और इस तरह के जोनर की मतलब आप जिस जोनर की बात कर रहे हैं, इस जोनर की फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी इंडिया में डेफिनेट आनंद जी जो हम बॉलीवुड और हॉलीवुड का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं हॉलीवुड की टेक्निक बहुत ज्यादा सुपर हाईटेक है और जो अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल फिल्में बनती है और अगर कोई अच्छी फिल्म बनती भी है जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है ग्राफिक्स होते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगे बजट की बनती है तो इसके पीछे की क्या वजह है इसका रीजन मैम सबसे बड़ा ये है कि अभी टेक्नोलॉजीज इंडिया में उतनी नहीं है जी जब तक टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं होंगी तो इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि जल्दी डेवलप हो पाएंगी टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी अगर चीज़ें बढ़ेंगी तो डेफिनेट है कि इंडिया में भी बहुत स्कोप है हमारे यहाँ के लोग उल्टा फॉरेन में जाकर के हॉलीवुड में जाकर के काम कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें हमारे इंडिया में भी प्रोवाइड नहीं है अगर वो इंडिया में आ जाएगी तो नेचुरल है कि हर चीज़ों में अगर डेवलपमेंट होगा ये टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट होगा तो चीज़ें बेहतर बनेंगी तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंडिया में भी मौजूद हो और हम भी की टक्कर की जैसे की हॉलीवुड में है वो अपने संस्थान डेवलप किए हुए जहाँ पे ग्राफिक्स बी और सारी चीजें इनके ऊपर वर्क होता है अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा मैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बजट जहाँ पे हॉलीवुड की फिल्मों में बिलियंस

जिसके जिसके ग्राफिक्स, जिसके एनिमेशन, सारी चीजें बहुत बेहतरीन और उन्होंने भी आ, कुछ इंडियंस और कुछ हॉलीवुड को लेकर के किया है। अब धीरे धीरे साउथ की तरफ से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी साउथ में आई है उन्होंने हॉलीवुड से लिया है और वो अब साउथ में रच बस गई है ये धीरे धीरे जब नॉर्थ इंडिया की तरफ या अपने यूपी बिहार के क्षेत्रों में आएगी यहाँ के लोग टेक्निकल चीजें सीखेंगे तो नेचुरल है कि वो सस्ती होती जाएंगी और न, नए प्रोड्यूसर्स के लिए जब सस्ते क्रू सस्ती टेक्नोलॉजीज मिलती है तो फिल्मों का बजट कम हो जाता है उनके लिए आसानी हो जाती है जी जिस तरह से एवेंजर्स एंड गेम फिल्म बनी थी उसमें जितना पैसा खर्च हुआ था क्या उससे महंगी अभी तक कोई और फिल्म बनी है मैम फिल्मों का तो ऐसा है देखिए हर फिल्मों का अपना एक अलग जोन होता है एक अलग बजट होता है जी। Avengers, जो बनाई हुई फिल्म है वो टोटल एनिमेटेड फिल्म है। एनिमेशन की फिल्मों में हर फ्रेम पे काम करना पड़ता है तो मान के चलिए अगर हम दो घंटे की फिल्म बना रहे हैं तो हर फ्रेम पे एक सेकंड में पच्चीस फ्रेम होते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है हर फ्रेम पे वर्क करना पड़ता है इसलिए ये फिल्में महंगी पड़ती हैं हाँ आने वाले समय में इंडिया में भी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं होंगी

तो जब ऐसी टीम मिलती है ऐसे लोग मिलते हैं तो एक अच्छी फिल्म बनाई जाती है अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ रिसेंट में द जंगल ट्रिप इसमें मैं टेक्नोलॉजीज मैं, मैंने हॉलीवुड से बहुत लोगों से सीखा और कुछ मुझे अपने टेक्निकल लोग मिले तो उन्होंने मुझे उन सारी चीज़ों का सपोर्ट किया और वो आज फिल्म को मैं उतारने जा रहा हूँ और मेरी फिल्म एक्चुअल ऐसा है कि एक ऐसी कहानी कि जंगल में कुछ लोग जाते हैं जिनके साथ में दुर्घटनाएं होनी शुरू होती हैं आ, कुछ लोग मार दिए जाते हैं तो मतलब अभी सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ रीजन है बट आप फिल्म देखेंगे तो बहुत मजा आएगा डेफिनेट और ये टेक्निकल फिल्म है जी तो टेक्निकल फिल्म तो है ही जंगल ट्रिप हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसको क्या क्रोमा पे शूट किया गया है जैसे कि आपने बताया है कि नहीं जंगलों में शूट किया गया है तो क्या कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जिनको शूट करने के लिए क्रोमा की जरूरत पड़ी आपको मैम ऐसा है एक, बिना क्रोमा के तो आज फिल्म की शूटिंग की सम, मतलब सोच नहीं सकते बिना क्रोमा के शूट करना क्योंकि किसी भी बी को शूट करना है किसी चीज को क्रिएट करना है तो क्रोमा बहुत मस्त होता है और हमारी फिल्मों में जी क्रोमा बहुत यूज हुआ है

मैम लाइट्स लाइट्स आती हैं हैवी आती हैं लाइट्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम रात को दिन में बदल सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत मतलब नहीं होती है मतलब हमारी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली अब हम कुछ भी कर सकते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इतना बदल गया है जो लोग सोच भी नहीं सकते पिक्चर तो देखते हैं लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है कि इसमें ऐसा भी कुछ हुआ जैसे कि अभी हमने बात करी कि रात में शूटिंग कर रहे हम दिखा रहे दिन का तो क्या कुछ ऐसा भी है जो हमारी ऑडियंस को पता नहीं है नहीं ऑडियंस अभी बहुत समझदार है ऑडियंस को सब पता होता है ऑडियंस हर चीज को समझती है बस वो नया चीज देखना चाहती है नया क्रिएशन देखना चाहती है अगर हम कोई नए नय, नया क्रिएशन करते हैं तो उसका हमें अच्छा प्रतिसाद मिलता है दर्शकों की ओर से जी टेक्निक की तो बात हो गई कि जिस तरह से तकनीक आगे बढ़ रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी तरक्की कर रही है और चीजों की जरूरत भी है अब हम बात करेंगे लुक और मेकअप की तो इसके लिए भी क्या इफेक्ट्स यूज करे जाते हैं मैम मेकअप बहुत बड़ा पार्ट होता है फिल्म का विदाउट मेकअप तो हम किसी फिल्म की शूट किस मतलब के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं जी। जिस तरीके से कॉस्मेटिक डिजाइनिंग हम करते हैं उस कॉस्मेटिक डिजाइनिंग को सेट करने के लिए मेकअप का बहुत बड़ा सहारा लेना पड़ता है अगर हमारे पास अच्छे लेवल का मेकअप नहीं है अच्छे लेवल के मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो हमारी चीजों में नेचुरलिटी नहीं आती है नेचुरलिटी लाने के लिए मेकअप बहुत बड़ा साधन है तो विदाउट मेकअप तो हम सोच ही नहीं सकते जी जैसे कोई जख्मी हो जाता है किसी का को कोई हिस्सा कट गया है तो उस अभी आपने बताया भी था लेकिन हम चाहेंगे कि उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें मान लीजिए किसी का हाथ कट गया है पूरा हाथ अलग दिखाना है उसके लिए आप कौन सा यूज करते हैं क्या कुछ यूज करते हैं सिलिकॉन के हाथ बनाए जाते हैं नकली जो देखने में हु असली लगते हैं तो उन चीजों को हम सेटअप करते हैं सेटअप करने के बाद में टेक्निकल तरीके से वो काटे जाते हैं तो कटते हुए हाथ फिर अलग होता हुआ दिखता है दर्शकों को ये महसूस होता है कि रियल कट रहा है लेकिन हालांकि वो सिलिकॉन के हाथ होते हैं नकली हाथ पैर होते हैं तो दर्शकों को मतलब रियलिटी का एहसास कराने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। जी तो क्या सिर्फ हाथ बनाया जाता है या पूरी पूरी बॉडी भी बना जाते हैं पूरी, है, पूरी, पूरी पूरी सिलिकॉन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम पूरी बॉडी डेवलप कर सकते हैं फुल डिजाइन करके एक नया आदमी खड़ा कर सकते हैं जी बिल्कुल अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जिस जिस तरह से जिस स्पीड से हमारा बॉलीवुड तरक्की कर रहा है और हमारी टेक्निक्स आगे बढ़ रही है तो बॉलीवुड में अगर किसी को आयरन मैन बनाया जाएगा तो उस रोल के लिए कौन अच्छा लगेगा आपको मैम ये तो डिपेंड है कि जी वैसे इंडिया में आयरन मैन अक्षय कुमार ही है और ओ, मेरे हिसाब से तो अक्षय कुमार को ही आयरन मैन का कैरेक्टर करना चाहिए जी तो उनकी जिस जिस तरह की मूवी रहती है एक्शन मूवी रहती है क्या आप उसको देखते हुए कहना चाह रहे हैं नहीं अक्षय कुमार जी। मेरी अपनी अपनी ख्वाहिश है कि अगर इंडिया में आयरन मैन बने तो अक्षय कुमार जी को करना चाहिए जी बिल्कुल बाकी लोगों की अपनी अपनी अलग राय हो सकती है मेरी राय है जी जी आप हमारे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आ, हम आप अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि मैं एक अलग तरीके की अलग जूनर की फिल्म बना रहा हूँ आप एक बार जरूर देखें आपको मजा आएगा जी. ऐसी चीज अभी आपने हॉलीवुड में देखी होगी बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड है नई चीज है आपको डेफिनेट मजा आएगा मेरी फिल्म से जी तो मैं इसकी भी सराहना करनी चाहूंगी कि जिस तरह से आपने नए कलाकारों को मौका दिया है और नई चीज लेकर आ रहे हैं हमको खुशी हो रही है कि आप इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए अपना समय देने के लिए इस इस खबर चर्चा में हमारे साथ आनंद ओझा जी जुड़े हुए थे जो की फिल्म डायरेक्टर है जो अपनी नई फिल्म द जंगल ट्रिप लेकर आ रहे हैं जिसमें तकनीक का बहुत बारीकी से बहुत अच्छा काम किया गया है तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जंगल के दृश्य दिखाए गए हैं एक थ्रिलर मूवी है तो आप जरूर देखें इस फिल्म को और नई तकनीक का अनुभव भी करें इस चर्चा में फिलहाल इतना ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ